फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गुजराती फेमस सैंडविच ढोकला। तो बिना दाल चावल भिगोए सिर्फ 30 मिनट में आप ये टेस्टी मज़ेदार सैंडविच ढोकला बना के खा सकते हो। अगर आपने कभी सैंडविच ढोकला घर पे नहीं बनाया तो ये आसान से सैंडविच ढोकला आप ज़रूर बनाए। तो चले बनाते हैं। उसके लिए एक बाउल में हम 1.5 कप सूजी, तो रवा मैंने जो हम उपमा शीरा के लिए यूज़ करते हैं वही लिया है, और उसमें हम 1 कप दही, तो अगर आपके पास छाछ है तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने इधर 1 कप दही डाला है और साथ में हम थोड़ा थोड़ा करके 1 कप जितना पानी डालेंगे। तो अभी मैंने 1/2 कप जितना पानी डाल दिया है। बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसमें गुठलियाँ ना रहे ऐसा हमें घोल बनाना है। और सूजी को हमें भिगोने के लिए सिर्फ आप 5 से 10 मिनट साइड में रखोगे तो भी ये फूल जाती है। बचा हुआ 1/2 कप पानी डाल के बैटर को मिक्स कर देंगे और हम सूजी को फूलने के लिए साइड में रख देंगे, और बाद में हमें ज़रूरत पड़े उतना पानी डाल के बैटर को हम थोड़ा पतला करेंगे। तो बैटर को ढक के मैं 10 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक हम दूसरी ढोकला की तैयारियां कर लेंगे। तो मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम सैंडविच ढोकला की चटनी बनाने के लिए 1.5 कप धनिया, मैंने धो के डंडल के साथ धनिया लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च तिक्खी वाली हमें लेनी है, 2 छोटे टुकड़े अदरक के, 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे, 3 टीस्पून मूँगफली के दाने, तो कच्चे वाले ही हमें लेने हैं, और 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर शुगर डालेंगे, और थोड़ा सा पानी यूज़ करके हम थिक इसका पेस्ट जैसा चटनी बना लेंगे। तो चटनी तैयार है, साइड में रखेंगे। एक डिप थाली लेंगे क्योंकि हमें लेयर वाले ढोकला है, तो अगर आपकी प्लेट डिप नहीं रहेगी तो बाहर आ जाएंगे ढोकला। तो ऐसी डिप प्लेट लेके 1/2 टीस्पून ऑयल लेके इसे हम ग्रीस करके साइड में रखेंगे। 10 मिनट के बाद बैटर हमारा भीग के गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं 1/2 कप से थोड़ा कम पानी लेके थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के बैटर को थोड़ा पतला करेंगे। अगर बैटर को आप पतला नहीं करोगे तो ढोकला है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इधर आपको बैटर बहुत पतला भी नहीं करना है और गाढ़ा भी नहीं रखना है, वो आपको खास ध्यान रखना है। तो 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने पानी डाल के बैटर को मिक्स कर दिया है। 1/2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 1 चुटकी जितना हम शक्कर डालेंगे, तो इससे हमारे ढोकले में झाली पड़ेगी और साथ में जो दही की खटास है उसके साथ मिक्स होके बहुत ही बढ़िया सा ढोकला का टेस्ट आएगा। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अभी हम ढोकला के 3 हिस्से करेंगे। तो 2 बाउल है, उसमें हमें एक जैसा बैटर लेना है। तो 1.5 लेडल फुल जितना, या फिर आपके पास बाउल हो तो 1 बाउल पूरा एक जितना ही लेके 2 हिस्से कर लेंगे। और जो ये ब्लैक वाला बाउल है उसमें मैं थोड़ा कम ही बैटर रखूँगी। तो ये चटनी के लेयर के लिए हमें 1/2 कप से भी थोड़ा कम बैटर चाहिए। तो 1 बाउल का बैटर लेके उसमें हम 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ब्लू पैकेट वाला जो इनो फ्रूट सॉल्ट है वो मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून ही डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालें। और जो ग्रीस की हुई थाली है उसमें हम पूरा बैटर डालेंगे, ऐसे फैला देंगे। और ढोकला का जो स्टीमर है वो मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी पानी 3 कप जितना मैंने उबालने के लिए रखा था, पानी उबल जाए स्टैंड रख के हम उसके पर ढोकला की थाली रखेंगे, ढक देंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए होने देना है। तब तक जो ब्लैक बाउल का कम बैटर है उसमें हम 4 से 5 टीस्पून जो हमने चटनी बनाई है वो डालेंगे। तो चटनी इधर आपको ढोकला कितना तीखा बनाना है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। तो अच्छे से मैंने कम बैटर के साथ चटनी को मिक्स कर दिया है और उसमें हम 1/4 टीस्पून से भी कम इनो फ्रूट सॉल्ट डाल के मिक्स कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद जो हमने पहले स्टीम करने के लिए पहला लेयर रखा था वो हो गया है। अभी जो हमने मिडिल वाला लेयर रेडी किया है वो डालेंगे। तो जब भी आप खोलने वाले हो तभी ही इनो फ्रूट सॉल्ट डालें और लेयर को हम अच्छे से फैलाएंगे। तो पूरी थाली में आए उस तरह से हमें फैलाना है। तो आप देख सकते हो बढ़िया से ये फैल गया है। वापस हम ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए
हाई फ्लेम पे बीच के लेयर को भी हम स्टीम करेंगे। तब तक जो लास्ट वाला लेयर है उसमें हम आधा टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही 3 मिनट हो जाए मिडल वाले लेयर को होते हुए, उस पर हम ये तीसरा लेयर डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर और एकदम अच्छे से आ गया है। और ये हम तीसरा लेयर डाल देंगे, अच्छे से फैलाएंगे, तो पूरा कवर करना है और एक जैसा हो ऐसे डालें, नहीं तो ढोकला कहीं से मोटे रहेंगे कहीं से पतले रहेंगे। और ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, तो जितनी भी आपको पसंद है उतनी आप डाल सकते हो। और वापस ढक्कन लगाकर अभी हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो 10 मिनट के बाद हमारा ढोकला है अच्छे से हो गया है। नाइफ ले लीजिए, उसकी मदद से हम चेक कर लेंगे। अगर बैटर नहीं आता है तो ढोकला आपका हो गया है, अगर बैटर आता है तो ढककर वापस 1 से 2 मिनट के लिए होने दीजिए, पर 10 मिनट में ये हो ही जाएगा। प्लेट निकाल के मैं इसे हल्का ठंडा करूँगी, तब तक साइड में तड़का कर लेंगे। तो तड़का पैन में हम 1.5 टेबल स्पून जितना तेल, आप चाहे तो कम भी ले सकते हो, तेल गर्म हो जाए 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाल देंगे, राई के दाने थोड़े से फूट जाए 1 टीस्पून, सफ़ेद तेल डालेंगे, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी कड़ी पत्ते डाल के तुरंत ही गैस की आंच बंद करके तड़के को मैं साइड में रखूंगी। ढोकला हल्का ठंडा हो जाए हम उसके ऐसे पीसीस कर लेंगे। तो आपको छोटे बड़े जैसे भी टुकड़े करने हैं उतने आप इसे काट के रेडी कर लीजिए ऐसे। और ढोकला काटने के बाद ही हमें तड़का डालना है, तो आप तड़का चाहे तो पहले ढोकले काट लीजिए, तड़का बाद में लगाकर भी फैला सकते हो। तो अभी हम तड़का फैला देंगे तो पूरे हर एक ढोकला पर आए, ऐसे चम्मच की मदद से तड़का लगाकर फैला देंगे ऐसे। और उसके पर हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, और इसे आप चाहे तो चाय के साथ या फिर बनाई हुई जो चटनी है उसे थोड़ा पतला करें और उसके साथ सर्व करें, तो उसके साथ ही ये ढोकला ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम इसे अलग कर लेंगे, अभी सेपरेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा हरा जो चटनी का लेयर है वो हम थोड़ा सूजी वाला बैटर मिडल में रखेंगे, तो बहुत ही बढ़िया सा ये ढोकला हमारा होगा। तो और आप देख सकते हो एकदम रुई जैसे सॉफ्ट, और आप खाओगे तो मुंह में पिघल जाए ऐसे सॉफ्ट रहते हैं। अगर आपने ये सूजी का सैंडविच ढोकला कभी नहीं बनाया तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से हमारे सैंडविच ढोकला तैयार है। आप इसे बनाकर चाय के साथ या चटनी के साथ सर्व करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।